खरगोन जिला जेल में शुक्रवार को नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के परिवारजनों ने बंदियों के जीवन में बदलाव लाने का संदेश दिया। जेल अधीक्षक J.R. मंडलोई ने बंदियों से कहा कि ज्यादातर अपराध का कारण नशा होता है। आज ये संकल्प ले कि उनसे जाने अनजाने में जो भी हुआ उसका प्रायश्चित करेंगे और जीवन में दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से जेल में आना पड़े। उन्होंने युवा बंदियों को समझाते हुए कहा कि जब वो जेल में बंद होते हैं तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता और परिवारजनों को होता है, इसलिए जब भी कारागार से बाहर निकले तो फिर से ऐसा कोई काम न करे कि दोबारा कारागार में आना पड़े और माता पिता को दुखी होना पड़े। गायत्री परिवार के समय दानी लक्ष्मण चौहान ने गायत्री मंत्र के उच्चारण से शुरुआत कर नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। 25 साल पहले हमारे भाई को किसी ने मार दिया और जब हम शराब पीते तो 25 साल पुरानी कहानी याद आती, उस आदमी को देखते हैं और फिर हमारे मन में बदले की भावना पनपती। तो एक तो बदले की भावना को छोड़ो, दूसरा शराब को छोड़ो। जब बदले की भावना समाप्त, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अपराध कर दे उसको क्षमा कर दो तो उसका अपराध धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बदला बिल्कुल नहीं रखना, और शराब एक प्रकार की ऐसी वस्तु है जो पैसे का तो नाश करती है। अब एक एक के आप सुनते जाओ कि हम क्या बन सकते हैं। हमको लगता था पैसे वाले बनना है, शराब से जो नुकसान होता है शरीर शिथिल पड़ जाता है, आदमी की मर्दाना शक्ति कमजोर हो जाती है, उसको गुस्सा आता है, बड़े बड़े अपराध करता है, समाज में उसकी इज्जत बुरा नहीं मानना, उसको लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो इंसान नहीं है, जानवर की तरह उससे व्यवहार करते हैं। भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पूरे देश में नशा मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी के तहत खरगोन जेल अधीक्षक महोदय ने हमें गायत्री परिवार को इस उद्देश्य के लिए बुलाया था। गायत्री परिवार का और सरकार का उद्देश्य कि अपराधों को रोकने के लिए जेल में जो हमारे बंदी गृह में भाई रहते हैं कैदी भाई, उनसे ही सुधार करना ताकि वो बाहर जाकर और अपराध की ओर प्रवृत्त न हो। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि उनके अंदर यहाँ से ऐसे विचार धार्मिक आयोजनों के माध्यम से हम देते रहते हैं कि वो जो बदले की भावना रखते हैं अपने विरोधियों से, उस भावना को यहीं भूल जाए और घर जाकर अपने पत्नी बच्चे माता पिता और देश को परिवार को समझें और अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से चालू कर सकें। उनको ईमानदारी का संदेश दिया जाता है कि भले आप गरीबी का जीवन जीना लेकिन वापस इस दलदल में मत फंसना, क्योंकि भगवान ने ये आपको सुधारने का अवसर दिया, इसको आप जेल मत समझो, ये सुधार ग्रह है। हम यही चाहते हैं कि अपराधीकरण जेल से ही रुके। लक्ष्मण सिंह चौहान, दोनों जिले बड़वानी और खरगोन जिला में प्रवासी कार्यकर्ता हूँ, समयदानी हूँ, पूरा जीवन दान समयदान गायत्री परिवार को दिया। ये समझाइश, चूंकि ये नशा मुक्ति अभियान केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चला गया विशेष अभियान है, इसमें बंदियों को के लिए ये गायत्री परिवार की ओर से प्रेरणादायक अभियान हो रहा है, स्रोत रहा है, जिसमें बंदियों को नशे से संबंधित जितने भी व्यसन है उनसे दूर रहें और अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें, यही संदेश है। J.R. मंडलोई, जेल अधीक्षक, जिला जेल खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।